हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डी फार्म एग्जिट एग्जाम का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अपडेट है वो 22 दिसंबर को आया था और मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट हो और अगर आपने 2022 में एडमिशन कराया है या फिर आप कराने वाले हो एडमिशन, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं डी फार्म एग्जिट एग्जाम के बारे में। तो हाँ, बहुत सालों से ये चलता आ रहा था कि हाँ एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। जब मैं भी डी फार्म में जब थी तभी भी हो रहा था कि हाँ इस साल होगा एग्जिट एग्जाम, बट हमारा नहीं हुआ और हमें ऐसे ही लाइसेंस मिल गया विदाउट एग्जिट एग्जाम दिए हुए। बट अब 2023 के अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है 22 दिसंबर को, उसके अनुसार जिन्होंने 2022 में एडमिशन करा रखा है, मेनली जो भी सेकेंड ईयर में होंगे और जो भी फर्स्ट ईयर में भी हैं, मतलब 2022 में जिन्होंने एडमिशन करा रखा है और उसके बाद जिन्होंने भी डी फार्म में एडमिशन करा रखा है, सबका अब एग्जिट एग्जाम होगा और इंटर्नशिप करने के बाद एग्जिट एग्जाम दे के ही उन्हें लाइसेंस मिलेगा। और यही था अपडेट। और ये भी और एक और बात है कि अगर किसी का बैक पेपर है, जैसे कि अगर कोई अपना जिनका एडमिशन 2022 से पहले है और उनका बैक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा क्योंकि उनका एडमिशन 2022 से पहले था। तो वो टेंशन ना ले, जिनका बैक पेपर है उनका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। तो अभी से ही जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से ही चालू कर दो पढ़ाई करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, और शायद माइनस मार्किंग भी होगा इस एग्ज़ाम में, और हमें 50% स्कोर करना ही है। और ये साल में दो बार एग्ज़ाम होगा, 6-6 मंथ के बीच में होगा, और इसमें हमारा अगर 50% मार्क्स आएगा तभी ही हमें लाइसेंस मिलेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि क्या क्या अपडेट है, और मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी और पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मतलब अपडेट का जो लिंक है वो भी ऐड कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।